नमस्कार क्लास टेंथ की स्टूडेंट ऑफ एमपी बोर्ड। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए 100% बताने वाला हूं कि आपके पेपर सभी विषय की कहां से आए थे, कहां से आ रहे हैं। और अब आखिरी पेपर आपको बचा है, कल है 15 अक्टूबर 2022, आपका है सामाजिक विज्ञान का पेपर। सामाजिक विज्ञान में आप अच्छे अंक प्राप्त कैसे करें, 80 में से 80, 70-75 में से 80 किस प्रकार आप प्राप्त करेंगे, तो इस वीडियो में हम पूरी की पूरी जानकारी आपको देंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहें, बने रहें। हम बात कर लेते हैं सारे के सारे आपके पेपर ना तो शैक्षणिक कैलेंडर के आधार पर आ रहे हैं कि शैक्षणिक कैलेंडर में जो जो कोर्स हो गया है सितंबर तक वो आएगा। फिर कैसे हो रहा है, फिर कैसे कहाँ से आ रहे हैं, तो मैं बता दूं उसी के आधार पर आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं प्रश्न बैंक से। जैसे सामाजिक विज्ञान में आपके सितंबर माह में जितने भी चैप्टर आपके करा दिए गए हैं, उतने चैप्टर्स के बारे में जितनी भी जानकारी यानी जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आंसर प्रश्न बैंक में हैं वो सब पढ़ लीजिए, तो आपका पेपर बन जाएगा आपसे, वरना आपसे पेपर नहीं बनता है, क्योंकि वो बाहर से आया हुआ आपको समझ में आता है कि कहाँ से क्वेश्चन आंसर आ गए। तो आपके लिए मेरी सलाह है कि जितने चैप्टर आपके लिए आ गए हैं वो आप शैक्षणिक कैलेंडर में से देख लीजिए, और उतने उनके क्वेश्चन आंसर आप अपनी प्रश्न बैंक में से पढ़ लीजिए। मैंने बार बार हर वीडियो में यही बोल रहा हूँ कि आप शैक्षणिक कैलेंडर में देखें और प्रश्न बैंक को पढ़ें। इसी प्रकार आपके पेपर आ रहे हैं, जो भी ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके पेपर ख़राब जा रहे हैं, मुझे मालूम है। और तो आप प्रश्न बैंक डाउनलोड कहाँ से करें, अब आपके लिए वो रिड्यूस कोर्स कहाँ से मिलेगा, शैक्षणिक कैलेंडर कहाँ से मिलेगा, तो मैं बता दूँ डिस्कशन में लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की, आप उसे ज्वाइन कर लें, उस पर आपके लिए PDF मैं अपलोड कर दूँगा, आपके लिए मिल जाएगी। और दूसरी बात रही शैक्षणिक कैलेंडर की, वह भी टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और मैंने लिंक दे दी है कि उस पर लिखा होगा कि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे आप, लिखा होगा कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान प्रश्न बैंक डाउनलोड करें PDF, तो उसमें क्लिक करेंगे तो उसमें एक वीडियो मैंने बनाई है कि इस प्रकार डाउनलोड करना है सभी प्रश्न बैंक, तो आप यूट्यूब पर वो मेरी वीडियो देख लीजिए, और बीमास पोर्टल से आप अपनी प्रश्न बैंक डाउनलोड कर लीजिए। प्रश्न बैंक डाउनलोड कर लीजिए कहाँ से, बीमास पोर्टल से। कैसे करें वह वीडियो बना दी है, शैक्षणिक कैलेंडर कैसा है, कहाँ मिल जाएगा आपके लिए, वो भी मैंने वीडियो बना दी है, वह टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो में मैं देखता हूँ आपको बताता हूँ किस प्रकार आपके लिए प्रश्न बैंक पढ़ना है। देखिए इसमें बहुत अच्छी रोचक बातें दी हैं, जैसे इसमें स्मरणीय बिंदु दिए गए हैं, अगर आप स्मरणीय बिंदुओं को स्मरण कर लें तो आपके सही विकल्प चुनकर लिखें, और अगर ये पढ़ लेते हैं और आपके खाली स्थान पढ़ लेते हैं आप, और शरीर जोड़ियाँ पढ़ लेते हैं, सत्त पढ़ लेते हैं, और एक शब्द में उत्तर पढ़ लेते हैं, लघुवती प्रश्न पढ़ लेते हैं, तो आपका 100% अच्छा पेपर जाएगा सामाजिक विज्ञान का कल। और अगर आप इस प्रकार मेहनत नहीं करेंगे तो आपका पक्का है, फिर से अगर आप नहीं लापरवाही करेंगे तो कल पेपर आपका फिर से गलत जाएगा। कक्षा 10वीं की बोर्ड होती है, और आप बहुत ध्यान से पढ़ें, याद करें। मैं बता दूं जो भी आपके में एक नक्शा आता है 4 नंबर का, वो भी प्रश्न बैंक से आएगा। इसमें देखिए ये नक्शा दिया है, इसमें कुछ चीज़ें दर्शाने को इन्होंने कही होंगी, इधर देखिए ऊपर, तो वो आप कर लें। वो कहाँ से आते हैं मैं बताता हूँ जी। हाँ देखिए, मानचित्र पर आधारित प्रश्न है, आपके सारे के सारे गूगल से क्वेश्चन आंसर आते हैं। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, सुंदरबन राष्ट्रीय बाग, उद्यान भारत, फलाना ढकाना, भारतीय मानचित्र में निम्न प्रमुख खनिज उत्पादक भारतीय, ये भारत 10 के मानचित्र निम्नलिखित इस प्रकार आएगा। सभी आप लोग प्रश्न बैंक पढ़ने अनुरोध है, और भी अगली वीडियो सभी प्रकार की वार्षिक परीक्षा, अध्ययन परीक्षा, अध्ययन परीक्षा बोध, 5 पेपर आपका वार्षिक का आएगा, अर्धवार्षिक का आएगा, सभी आप बढ़िया इस चैनल पर आपके लिए मिलेगी, क्या मिलेगी, वीडियो मिलेंगी इस चैनल पर, और सभी जानकारी मिलती हैं इस पर। 100% इस चैनल पर हमारी ऊपर ज्ञान चैनल पर आपका है, सब्सक्राइब कर लें, 100% सही जानकारी होती है, नो फेक नो कुछ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, हमेशा आपकी मदद करने के लिए चैनल तत्पर बना रहेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर एमपी बोर्ड से अगर पढ़ रहे हैं, बहुत ही मददगार रहेगा। धन्यवाद।